हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति का कटअप जो है वो जारी हो गया है। तो जनरल का जो है 1 to 5 में 67 मार्क्स गया है और जनरल फीमेल का 57, ईडब्ल्यूएस का 56 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48, ईबीसी का 55 और ईबीसी फीमेल का 44, बीसी का 60 और बीसी फीमेल का 50, एससी का 47 और एसटी का 39 फीमेल का और एसटी का 46 और एसटी फीमेल का 39। और उर्दू में आप देख सकते हैं, उर्दू का, बांग्ला का, सभी विषयों का जो है कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया। फिर 9-10 का है, हिंदी में 55 गया है बस। और ये फीमेल तो इसमें मतलब उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है, जितना ज़रूरत है उतना फीमेल उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इसके बाद बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सबका कटअप जो है यहाँ पे जारी हो गया है। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कितना कटअप गया है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मार्क्स शो नहीं हो रहा था, कटअप नहीं शो हो रहा था, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटअप कितना गया है। फिर 11th-12th का आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का मात्र 39 गया है और फीमेल तो उपलब्ध भी नहीं हो पाई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना कम कटअप जो है वो गया है इंग्लिश का, संस्कृत का, बंगाली का, मैथिली का। और मैथमेटिक्स का 53 गया है 11th-12th में और फीमेल का मात्र 39 मार्क्स, मतलब जो भी क्वालिफाई कर रहे थे उनका हो गया है। और फिजिक्स का यूआर का मात्र 39 गया है फिजिक्स का, तो ऐसी स्थिति है। इधर आप केमिस्ट्री का देख सकते हैं 39 बस, सभी विषयों का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं NA जो दिया गया है, इसका अर्थ है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि से वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई। तो मतलब जैसे आप कटअप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना मार्क्स तो मुझे भी आ रहा था, तो वहाँ पे जो है उम्र को प्राथमिकता दी गई है और उम्र और मार्क्स दोनों समान होने पे जो है देवनागरी लिपि के हिसाब से जो नाम का पहले जिसका नाम पहले आता है उनको लिया गया है, उनको मतलब वरीयता दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, DB में विसंगति, अयोग्य पाए जाने पर अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल से सफल घोषित नहीं किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना का ये जारी हुआ है। तो कट ऑफ जो है वो जारी हो गया है। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है, जितना लोगों को लग रहा था उतना नहीं गया है, लेकिन कैटेगरी में फुल हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग जो है रह गए हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।